हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्लान है 17 फीट बाई 40 फीट का है। 17 फीट इस प्लान का चौड़ाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और 40 फीट इस प्लान का लंबाई है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी, एक यहाँ पे ये 2 साइड ओपन प्लॉट है, और इसका जो मुख है, जो फेस है, वो वेस्ट फेसिंग का ये प्लॉट है। और यहाँ पे ये मेन रोड जो है वो इधर से है, और पीछे में गली है। गली मतलब थोड़ा 6 फीट चौड़ा यहाँ वहाँ पे गली है, जिससे हम पीछे में विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आप साइज देख रहे हैं, प्लॉट जो देख रहे हैं, अगर आपका प्लॉट इसी साइज में है, 17 बाई 40 में है या 17 बाई 39 में है, तो भी आप इस नक्शे को देख के आप अपना घर बना सकते हैं। मुझे यही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान के डिटेल्स को। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से यहाँ पे डायमेंशन भी समझ में आए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 3 फीट जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये हमारा बालकनी का चौड़ाई है। यहाँ पे जो कि बालकनी जो होती है, जो कि हमारे घर के बाहर की तरफ है, यहाँ पे हमारे अपने प्लॉट एरिया के बाहर में, यहाँ पे 3 फीट बाहर में छज्जा निकाल रखा है, बालकनी है। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। तो यहाँ पे इस सिक्के ठीक नीचे से अपने घर के अंदर जाने के लिए ये जो जो गेट है, यहाँ पे एक MS गेट जो लिखा हुआ है, ये जो कि चैनल वाला गेट है, ये जो कि ओपन होगा। तो जो कि लोहे वाला जो गेट होता है, जो चैनल वाला होता है, जो कि बाहर से भी देखते हैं तो अंदर दिखाई देता है, तो यही वाला यहाँ पे गेट लगेगा। तो ये ओपन होगा तो सीधे हमारी जो कार है, कार पार्किंग में चली जाएगी। ये 8 फीट चौड़ा है, तो यहाँ पे एक जो स्मॉल साइज की जो कार आती है वो इसमें आसानी से पार्क की जा सकती है। तो यहाँ पे इसी के बाहर में यहाँ पे एक शॉप डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे शॉप का ये जो शटर देख रहे हैं, RS जो लिखा हुआ है, ये शटर है जो कि 7 फीट चौड़ा है। यहाँ पे 7 फीट चौड़ाई है इस शटर की। तो यहाँ से सीधे हम अपने इस शटर को ओपन करके शॉप का यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर। तो यहाँ पर जो अभी बात कर लेते हैं अभी शॉप के साइज़ की, तो यहाँ पर 10 फीट इसका लंबाई है और 7 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है। तो ये यहाँ पर एक शॉप मिल जाता है जिसमें आप अपने कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट है और आप का शॉप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको एज ए ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये शटर हटा देंगे और यहाँ पे आप गेट लगा देंगे। यहाँ पे जो 4 फीट चौड़ा यहाँ पे गेट आ जाएगा, जो कि दरवाज़ा आ जाएगा, और यहाँ पे विंडो लगा देंगे, और इसका जो है इसको एज ए ड्राइंग रूम भी यूज़ किया जा सकता है इस शॉप की जगह का। तो यहाँ पे अभी चलिए बात करते हैं घर के अंदर जाने के लिए। ये जो दरवाज़ा है, ये जो गेट है, यहाँ पे ये ओपन होगा तो कार पार्किंग में हमारी कार भी चली जाएगी और इधर से ही हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 14 फीट 2 इंच का स्पेस मिल जाता है, जो कि एक कार के लिए, जो पार्किंग के स्पेस के लिए, जो छोटी कार जो आती है, वो आप आसानी से इसमें पार्क कर पाएंगे और इधर से आप जा सकते हैं अपने घर के अंदर। तो जैसे एंटर करेंगे अपने घर के अंदर, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है सीढ़ी जो है हमारे घर की, वो बाहर से ही डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो उसको एज ए रेंट पर्पज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे जो अप लिखा हुआ है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर जो चौड़ाई है सीढ़ी का, 2 फीट 6 इंच का चौड़ाई है, जिस जो चौड़ाई है यहाँ पर। और यहाँ पे ये वाले जो दो तीन स्टेप्स जो हैं वो 2 फीट 6 इंच के हैं, और बाकी ये जो स्टेप्स आगे की तरफ आगे आएंगे, तो यहाँ पे ये 3 फीट चौड़े होंगे। तो सीढ़ियाँ जो हैं वो आगे की तरफ, यहाँ से सीधे आगे की तरफ होती हुई यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे तो इससे यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस का साइन है कि ताकि हमारी सीढ़ियाँ आगे भी कंटिन्यू हो रही हैं, आगे भी बढ़ती जाएंगी, और इसी सीढ़ी के नीचे हमारी जो कार है वो पार्क हो जाएगी। तो अभी जैसे अभी जाते हैं, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया गया है D2, इसका जो साइज़ है यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई है। तो ये जो ओपन करेंगे तो इधर से सीधे हम अपने घर के अंदर जाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है एंटर करेंगे तो सीधे हम अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में एंटर करेंगे। ये जो है हम एंटर करेंगे तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है 7 फीट 9 इंच चौड़ाई है, 11 फीट 7 इंच इसका लंबाई मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है, और इसी के साथ में यहाँ पे एक बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने लिविंग एरिया से, जैसे कि आप देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है, जिस पर चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं अगर इस टेबल को थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बैठने के लिए 5 सोफ़े लगाए गए हैं, जो कि सिंगल सिंगल सोफ़े हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के बैठने के लिए आप अरेंजमेंट कर सकते हैं।
इसी के साथ में यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, अपने लिविंग एरिया से अपने बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो चौड़ाई है 8 फीट है और 11 फीट 7 इंच इस कमरे का लंबाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस किया गया है और यहाँ पे टेबल और चेयर भी प्लेस किया गया है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि इसमें और भी अपनी जरूरत की चीज़ों को आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इस कमरे का जो विंडो है वो सीढ़ी वाली दीवार पे है, यहाँ पे W2 जो देख रहे हैं ये जो है वो विंडो है 4 फीट बाई 4 फीट का। तो सीढ़ी की तरफ से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे इस कमरे के अंदर जाएगी। और अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे एंटर करेंगे तो लिविंग एरिया से यहाँ पे इधर से हम आएंगे तो यहाँ पे एक टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है। ये टॉयलेट एंड बाथरूम है, यहाँ पे जाने के लिए इसमें 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा है, ये 2.5 फीट चौड़ाई का दरवाज़ा है, 2 फीट 6 इंच चौड़ा है। तो यहाँ पे जो टॉयलेट एंड बाथरूम के साइज़ की बात करें तो 6 फीट इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक है लेंथ जो है, और चौड़ाई जो है 7 फीट 9 इंच है, जो कि इस दीवार से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पे भी हमको काफ़ी स्पेस मिलता है, यहाँ पे दीवार को इस तरह से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे 2 फीट 7 इंच यहाँ पे चौड़ाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपना टॉयलेट का सीट फिक्स किया गया है और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का यहाँ पे जगह दिया गया है, जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो यहाँ से जो भी स्मेल होगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम का वो सीधे इस कार पार्किंग एरिया से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे आप टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है, यहाँ पे टॉयलेट शावर मिल जाता है, यहाँ पे हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन भी दिया गया है। तो अभी चलिए बात करते हैं यहाँ से आगे किचन की। यहाँ पे तो ये एक ओपन किचन डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस लिविंग एरिया के सामने ही यहाँ पे एक ओपन किचन डिज़ाइन किया हुआ है। 7 फीट इसका लंबाई है इस डायरेक्शन में इस किचन की स्लैब की और 5 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ पे भी एक विंडो मिल जाता है जो कि हमारी पीछे गली की तरफ ओपन होता है। तो यहाँ पे किचन के अंदर का जो धुआं होगा, जो स्मोक होगा, वो पीछे की तरफ गली की तरफ निकल जाएगा और पीछे से रोशनी भी अच्छे से हमारे इस किचन में और इस डाइनिंग एरिया के अंदर भी आएगी। अभी इसके साथ में यहाँ पे एक बेडरूम डिज़ाइन किया गया है 10 फीट बाई 10 फीट का। इसमें जाने के लिए ये जो दरवाज़ा है 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा दिया गया है और ये जो विंडो मिल जाता है पीछे, ये 4 फीट बाई 4 फीट का बड़ा विंडो मिलता है, जिससे बाहर से जो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा और रोशनी भी अच्छे से आएगी। यहाँ पे टेबल और चेयर भी मिल जाता है और यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे एक 10 बाई 10 का कमरा भी अच्छा मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हाउस प्लान से रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर बहुत ही सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसमें वॉल साइजेस की। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये 1 साइड ओपन प्लॉट है और यहाँ पे ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी घर बन चुके हैं। पीछे में क्या है कि यहाँ पे गली है, तो यहाँ पे जो है हमने इसमें जो दरवाजे जो इसमें वॉल्स जो दे रखे हैं ये 5 इंच की इसमें वॉल डिज़ाइन कर रखी हैं, जैसे कि बाहर की दीवारें हैं और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो भी 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। फ्रंट वाली जो दीवार है, जो कि हमारे फ्रंट की जो दीवार है, यहाँ पर ये वाली जो दीवार है ये 9 इंच की है, जो कि शॉप की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।